पटना से है, जहां इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के दिन उमड़ी भारी भीड़ के दौरान आधा दर्जन से अधिक महिला श्रद्धालुओं के सोने की चेन गाली है। हालांकि इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भारी भीड़ का फायदा उठाकर उच्चकों द्वारा महिलाओं के सोने की चैन उड़ा लिए गए। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया, जो पश्चिम बंगाल के हुगली की रहने वाली है। बाद में सभी पीड़ित महिला एक साथ कोतवाली थाने पहुंच गई, जहां पर सभी का सामूहिक तौर पर कंप्लेन दर्ज किया गया है। महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे उनके साथ मंदिर के अंदर घटना। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसको लेकर महिला श्रद्धालु क्या कुछ कह रही है, आइए हम सुनते हैं। ये आज इस्कॉन टेंपल का उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, उसमें हम लोग सब कोई थे और भगवान के दर्शन के लिए इवनिंग टाइम में नीतीश जो यहाँ के मुख्यमंत्री वो आए थे, और उसके बाद उनके जाने के बाद सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, लेकिन ये लोग इतने मतलब बहुत ही बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग गैंग बना के चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको पकड़ नहीं पाए। लेकिन ये लोग आँख के सामने, अगर ये लोग सामने आए तो हम इन लोग को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। ये लोग कहीं मतलब आदिवासी जैसे दिखने में हैं और सब एक जैसे गैंग थे, और जैसे सबका एक ही टाइम में कम से कम 15 लोगों का इन लोगों ने चोरी किया, और जब तक हम सोचे इनको पकड़े, ये हमारे पीछे ही थे, लेकिन हम इनको पकड़ नहीं पाए। किसी ने एक ने पकड़ा भी इनको और धड़ के दबोचा, लेकिन उनके सारे गैंग वाले लोग भाग गए। लेकिन वो अच्छे से उन सबको पहचानती है, 4-5 लोग हैं पूरे गैंग, उनको अच्छे से वो पहचानती है। कहाँ से आई थी? सॉरी, कहाँ से आप आई थी पटना दर्शन करने? मैं इधर ही ये सॉरी मैं दुबई से आई हूँ, है ना। मैं यहाँ पटना मैं इस्कॉन के फॉलोवर हूँ, और मैं भगवान के दर्शन के लिए, और क्योंकि हमारा ये होम टाउन है, इसलिए मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आई थी और मंदिर में सेवा के लिए आई थी। ऐसा मैं 3 दिन से यहाँ पे होटल में ठहरी हुई हूँ, और आज हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया। कितने भर की चैन थी आपकी? हमारे 20 ग्राम्स के चैन थे, वो चैन चोरी हो गया। ऐसे करके पकड़े ही थे कि लगा हमको कि चैन खींच रहा है, बस ऐसे पकड़े कि पीछे से तब तक खींच लिया, बस इतना ही। जब तक आसपास इस्कॉन मंदिर में, वही मंदिर राधा कृष्ण मूर्ति के पास ही, वहीं पे। क्या वहाँ पुलिस को नहीं? कितने भरी का चैन था? 2 भरी। दर्शन करने आए थे, गए अंदर, उसके बाद जैसे भीड़ में था तो जैसे हम दर्शन कर ही रहे थे कि पीछे से कोई आया, अच्छी खींच लिया एकदम। हाँ, वही सब लगे हुए थे, हम लोग सिर्फ ऐसे ही चले गए हैं, तो कोई देखने वाला नहीं, दर्शक के लिए कुछ नहीं था। सर, ये तो मुझे नहीं पता है क्या कि मैं इसके लिए क्या बताऊँ कि ये पब्लिक के लिए थी या मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग का सामान गया है, तो हम लोग को तो महसूस हो रहा है कि मत बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा है कि हम लोग आए दर्शन के लिए, लेकिन हम लोग के साथ क्या हुआ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। इतने बड़े मंदिर में लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपने साथ सामान गंवा करके हम लोग जा रहे हैं। कितनी भरी चैन थी? मेरी 10 ग्राम की थी। कहाँ पे चोरी गया? मेरी राधे कृष्ण की जहाँ प्रतिमा है, मूर्ति है, वहीं से मेरी चैन चोरी हुई है। कोई महिला भी पकड़ाई है? कितना महिला? एक। आप लोगों ने? हाँ हाँ, 4-5 गैंग में थी, वो लोग और थी, 4-5 और थी, लेकिन मैं मतलब कि कोई पकड़ नहीं सके उसको, बस एक ही पकड़ाई है। मुझे तो यहाँ मतलब कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है सर, ठीक है। बाकी अब ये तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से तो नहीं बता सकती हूँ कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है, अब कल आ के देखते हैं क्या होता है, आखिर डिसीजन क्या लेते हैं ये लोग। पहले यहीं पर ही हाल हो रहा है। क्या हुआ था? ना चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, ना का चक्कर लगा रहे हैं। आज तो हुआ जो इस्कॉन में, मेरी माँ का चेन ये हो गया अभी, और उसके बाद भी यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिए, रिसीविंग मांग रहे हैं, रिसीविंग नहीं मिल रहा। कहाँ आए हुए हैं अभी आप? कहाँ है सर? ये कोतवाली थाना। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है अभी नहीं मिलेगा रिसीविंग। घटना क्या हुई है आपके साथ? घटना हुई है चेन, मेरी माँ की चेन ये निकाल लिया है, वही जो छिनाया, बहुत कोई का हुआ है वहाँ तो। कितनी महिला का लगभग? हम लोग तो अभी यहाँ देख रहे हैं लगभग 15-20 महिलाओं का, तो यहाँ एप्लीकेशन दिख रहा है। 7-8 महिला यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वहाँ तो हम लोग
बहुत लोग का सुने, अब यहाँ कितने लोग आए हैं कंप्लेन ही नहीं पता। तो आपने देखा कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।